सैनिक की होने वाली थी शादी। 15 दिन पहले भारत माता के लिए गंवाई अपनी जान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में अलीगढ़ के सचिन लौर शहीद हो गए हैं। उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। उनकी 15 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को शादी थी। पूरा परिवार उनकी शादी की तैयारी में जुटा हुआ था, मगर सचिन की शहादत की खबर आ गई। सचिन का पार्थिव शरीर आज यानी शुक्रवार शाम को टप्पल स्थित उनके गांव नगरिया गोरला लाया जाएगा। इसके लिए पूरा गांव आगरा हाईवे पर इकट्ठा होने लगा। यहीं पर गांव के लोग सेना के वाहन से मिलेंगे, फिर पार्थिव शरीर को लेकर गांव आएंगे। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सचिन ने 20 मार्च 2019 को आर्मी ज्वाइन की थी। वो पैरा ट्रूपर के पद पर थे। पिता रमेश चंद्र ने बताया कि सचिन बचपन से तेज तरार था। बचपन से वो सेना की तैयारी में जुटा था। कहता था कि देश के लिए कुछ करना है। शायद इसी जज्बे की वजह से उसका आर्मी में सिलेक्शन भी हुआ था। पिता ने बताया, बुधवार को मैंने सचिन से बात की थी, उससे जल्दी घर आने के लिए कहा था। इस पर सचिन ने कहा था कि पिताजी, जीत का सेहरा पहन कर आऊँगा, फिर शादी का सेहरा पहनूंगा। अभी 2 आतंकी बचे हैं, उन्हें मार कर तुरंत घर आ जाऊंगा। सचिन के बड़े भाई विवेक लौर नेवी में हैं। राजौरी में मुठभेड़ से ठीक पहले सचिन ने विवेक से फोन पर बात की थी। विवेक ने सचिन से कहा था कि जल्दी घर आ जा, शादी की तैयारी भी बाकी है, उन्हें पूरा करना है। उसके बाद सचिन ने विवेक से कहा था कि भैया, हम फौजी हैं और फौजी के लिए देश और भारत माँ सबसे पहले हैं। अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, इससे पूरा करके ही घर आऊँगा। सचिन ने कहा था कि वह गुरुवार को दोबारा फोन करेगा, मगर इससे पहले उसकी शहादत की खबर आ गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते 34 घंटे से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो गए। इन शहीदों में लौर भी शामिल है। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए भारत माँ के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सचिन के अलावा कैप्टन शुभम, कैप्टन एमजी प्रांजिल, हवलदार माजिद और नायक संजय भी शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए 5 सैनिकों की पार्थिव देह आज उनके घर पहुंचने वाली है। इस बीच उनके परिवारों के बीच से कुछ मार्मिक तस्वीरें और किस्से सामने आए हैं। शुक्रवार 24 नवंबर को आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के घर यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे। उनकी मां को 50 लाख की सरकारी मदद देते हुए उपाध्याय फोटो खिंचवाने लगे। इस पर कैप्टन की मां ने भी लगते हुए कहा, मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा वापस ला दो। इधर अलीगढ़ के पैरा ट्रूपर सचिन और 8 दिसंबर को शादी होनी थी, बारात मथुरा जानी थी और परिवार में इसकी तैयारी भी चल रही थी, लेकिन बेटा जम्मू कश्मीर से नहीं लौटा। जम्मू कश्मीर के हवलदार माजिद के भाई भी सेना में थे और वो भी 6 साल पहले शहीद हो चुके हैं। राजौरी में धर्मशाला के बाजीमल में 22 से 23 नवंबर को हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए।